दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत पॉपुलर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत पॉपुलर यूरोपियन कंट्री इटली के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इटली सिर्फ अपने पिज्जा पास्ता और इटालियन फूड के लिए मशहूर नहीं दोस्तों, बल्कि यहाँ के कल्चर, हेरिटेज और हिस्ट्री के लिए मशहूर है। अगर आप इटली जाना चाहते हैं तो भैया आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप पढ़ने भी जा सकते हैं, घूमने भी जा सकते हैं और काम करने भी जा सकते हैं। अब क्योंकि हमारे चैनल पर ज्यादा ऑडियंस है वो काम करने जाना चाहती है इंडिया से बाहर, तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इटली के एम्प्लॉयमेंट वीजा की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इटली का वीजा लेना चाहते हैं इंडिया में बैठे बैठे तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूं। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, हर यूरोपियन कंट्री की तरह जो है इटली का भी प्रोसेस सेम ही है। आपको सबसे पहले इटली में जॉब ढूंढनी है। इटली में अगर आपको जॉब मिल गई तो इटली का जो एम्प्लॉयर होगा जो आपको जॉब देगा दोस्तों वो आपको देगा वर्क परमिट। उस वर्क परमिट और कॉन्ट्रैक्ट लेटर के जरिए ही आपको अपनी कंट्री में मिलेगा वीजा। वीजा अप्लाई करते समय आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगा देने हैं, वर्क परमिट लगा देना है और अप्लाई कर देना है, पैसे भर देने हैं। ठीक है, पैसे कितने लगेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सारी की जानकारी दूंगा और वो भी प्रूफ के साथ। ठीक है, और जब आप सारे डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे दोस्तों तो आपको जो है वीजा मिल जाता है 2 से 4 हफ्तों में। जब एक बार वीजा मिल गया तो आप इटली जाकर के काम कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, काम करने जाना चाहते हैं तो बेसिक चीज है जॉब ढूंढिए। जॉब ढूंढ सकते हैं आप अलग अलग जॉब पोर्टल्स पे, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, ये है कुछ इटली के पॉपुलर जॉब पोर्टल्स जहां पर आपको इटली की जॉब्स मिलेंगी और जिन जॉब्स के लिए फॉरेनर्स अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप वीजा पाना चाहते हैं तो क्या करना है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आपको जो है VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाना है और यहां पर आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर वीजा टू इटली इन नॉर्थ इंडिया। अब क्योंकि पूरे मतलब इंडिया में जो है अलग अलग जगह पे ये ऑफिसेज हैं इटली का वीजा अप्लाई करने वाले, तो इसीलिए अभी नॉर्थ इंडिया वाले हम ऑफिस की जानकारी ले रहे हैं, यानी कि न्यू दिल्ली वाले ऑफिस की जानकारी ले रहे हैं दोस्तों। यहां पर आपको वीजा इंफॉर्मेशन के अंदर वीजा फीस, प्रोसेसिंग टाइम और डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगने वाले हैं और एप्लीकेशन फॉर्म कैसा दिखता है दोस्तों सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। यहां पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आएगा कि भैया आप वीजा टाइप सिलेक्ट कीजिए कि कौन सा टाइप का वीजा लेना चाहते हैं, वो आपको सिलेक्ट करना है। नीचे प्लीज सिलेक्ट योर वीजा टाइप वाला ऑप्शन आएगा जिसमें शॉर्ट टर्म वीजा ऑप्शन है, टूरिस्ट, बिजनेस, रिसर्च वीजा, रिलीजियस और स्टडी वीजा, स्पोर्ट्स वीजा, ट्रांजिट वीजा, इन्विटेशन वीजा। उसके बाद लॉन्ग टर्म वीजा डी टाइप वीजा होते हैं दोस्तों, जो रिलीजियस, स्टडी, फैमिली रियूनियन वीजा, और उसमें आता है नीचे एक एम्प्लॉयमेंट वीजा जिसे हम वर्क वीजा भी कह सकते हैं दोस्तों। तो इस एम्प्लॉयमेंट वीजा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर नीचे हमारे पास 3-4-5 ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओवरव्यू में जो है बताया जाएगा कि भैया ये वीजा किस काम आता है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि दिस वीजा अलाउज एप्लीकेंट्स टू एंटर इटली फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड और फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड विद द पर्पस टू वर्क वाइल अर्निंग अ सैलरी। तो अगर आप काम करने जाना चाहते हैं, पैसे कमाना जाना चाहते हैं तो भैया आपको यही वीजा एम्प्लॉयमेंट वीजा ही लेना होगा अपने लिए, और उसके लिए आपको जो है नल्ला ऑस्ता लेना पड़ेगा। नल्ला ऑस्ता को वर्क परमिट कह सकते हैं दोस्तों इटली के लैंग्वेज में। ठीक है, तो अगर आप ये वीजा लेना चाहते हैं तो आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा, अगर ये जानना चाहते हैं दोस्तों वो जानकारी आपको यही मिल जाएगी। यहाँ पर ओवरव्यू के नीचे वीजा फीस वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों वीजा कैटेगरी डी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है साफ साफ कि 116 यूरोज आपको भरने पड़ेंगे और 10,430 रुपए आपको भरने पड़ेंगे दोस्तों। लेकिन अगर आप यही वीजा किसी एजेंट के थ्रू लेते हैं तो आपको 5,00,000-6,00,000 रुपए भी देने पड़ सकते हैं। तो सोचिए कितना डिफरेंस आ जाता है दोस्तों। अगर आप खुद से सारी की सारी जानकारी लेते हैं, खुद से सारे के सारे प्रोसेस को फुलफिल करते हैं, खुद से जॉब हासिल कर लेते हैं तो आपको जो है 15,000 के अंदर वीजा मिल सकता है दोस्तों, सारे सर्विस चार्जेस वगैरह मिला करके, और जो डॉक्यूमेंट्स में आपका खर्चा होगा जो भी मतलब गैदर करने में वो खर्चा अलग, लेकिन फिर भी एजेंट जितना खर्चा नहीं होने वाला दोस्तों। इसीलिए मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताता हूं कि अपने आप जो है सारे के सारे प्रोसेस को फुलफिल कीजिए दोस्तों, खुद जॉब ढूंढिए ना। थोड़ा सा समय लगेगा तो क्या हो गया, 6 महीने, 1 साल लग सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 साल लग सकता है। अरे भैया आप इंडिया में काम करते रहिए और खुद के लिए जॉब ढूंढते रहिए, एक ना एक दिन आपको जॉब मिलेगी, इस चीज की गारंटी मैं आपको देता हूं। लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी बना के रखना है क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, सिर्फ इंडिया के लोग ही अप्लाई करने के लिए बैठे ना यूरोप में, तो भैया उन्हीं में आप नहीं जीत पाओगे। लेकिन यहां तो अभी बहुत सारे कंट्री के लोग जो है यूरोपियन कंट्रीज जाना चाहते हैं, दुबई जैसी कंट्री के लोग भी यूरोपियन कंट्री जाना चाहते हैं दोस्तों। तो सोचिए क्यों जाना चाहते हैं, सैलरी अच्छी है, अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, तो अगर आप जाना चाहते हैं ऐसी कंट्री में बिना एजेंट के तो कंसिस्टेंसी बनाइए, जॉब अप्लाई कीजिए लगातार। ठीक है, अगर आप शॉर्ट वीजा लेते हैं, शॉर्ट टर्म वीजा लेते हैं, तो उसके लिए आपको 90 यूरोस भरने पड़ते हैं दोस्तों, यानी कि करीब 8100 रुपए। तो इतना खर्चा जो है आपका लगने वाला है अगर आप वीजा लेना चाहते हैं खुद से, तो एजेंट के चक्कर मत पड़ो, फिर से बोलूंगा। ठीक है, साथ ही यहां पर जो है आपको
डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले दोस्तों वो भी देखने का मौका मिलेगा। यहाँ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी, पीडीएफ मतलब डाउनलोड कर सकते हो और वहां देख सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। फोटो स्पेसिफिकेशन बताई जा रही है, किस टाइप की आपको पासपोर्ट साइज फोटो दिखानी होगी वो भी आपको बताया जा रहा है दोस्तों। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा, दी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी प्रिंटेड बैक टू बैक प्रिंट करवाना होगा और ये वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों। इस तरीके से आप डाउनलोड करके इसको चेक भी कर सकते हैं और अगर आपको भर के अप्लाई करना है तो यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब डाउनलोड करके, ठीक है। तो ये आपको जो है पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर मिल जाएगी BFS ग्लोबल की वेबसाइट पे। तो अगर आप भी इटली जाना चाहते हैं, इटली का वीजा पाना चाहते हैं, तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया दोस्तों, कुछ वेबसाइट्स भी बता दी हैं, उन वेबसाइट्स पे जाइए, जॉब अप्लाई करना चालू कीजिए। याद रखिएगा दोस्तों कि जब आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए सीवी कवर लेटर जो है ATS फ्रेंडली यूज करिएगा या फिर यूरोपास यूज कीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमसे बनवा सकते हैं दोस्तों, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए। ₹1500 हमारा चार्ज है, ₹1500 में ना सिर्फ आप आपका सीवी कवर लेटर बनाएंगे बल्कि आपको कंसल्ट भी करेंगे, ठीक है। लेकिन पेमेंट के बाद ही बात होगी, इस चीज को भी क्लियर रखिएगा। लोग जो है रात को 12 बजे 1 बजे भी कॉल करने लगते हैं जो कि जरूरी नहीं है, लोग वीडियो कॉल करने लगते हैं, पता नहीं उनको क्या देखना होता है रात को 1 बजे। तो भैया प्लीज बिना सोचे समझे कॉल ना करें, आप मैसेज कर सकते हैं रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कॉल मत किया कीजिए दोस्तों बिना पूछे, ठीक है। अच्छा नहीं लगता, आप किसी की प्राइवेसी को इन्वेड कर रहे होते हैं जो कि बहुत गलत बात है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगेगी दोस्तों जो कि मैंने आज की इस वीडियो में साझा की है। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और अगर आप हमारी वीडियोस ऐसी ही देखते रहना चाहते हैं तो बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।